तो बुलडोजर लगातार हमने देखा एक्शन करने के लिए पहुंचा था शाहीन बाग में, लेकिन शाहीन बाग में इस बीच खूब हंगामा हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जब बुलडोजर पहुंचा तो विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले से ही शाहीन बाग के लोग ये कह रहे थे कि अगर एक्शन लेना है, अगर अतिक्रमण पर कार्रवाई करनी है तो फिर 80% दिल्ली में अतिक्रमण है, आप सब जगह जाइए। और इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश भी की जा रही है, जमकर सियासत इस पर हो रही है। शाहीन बाग में बुलडोजर के विरोध पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। मनोज तिवारी ने कहा है दिल्ली में 27 जगहों पर अतिक्रमण विरोधी एक्शन हुआ है, लेकिन नेता सिर्फ शाहीन बाग क्यों जा रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। सर, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शाहीन बाग में बुलडोजर चल रहा है, लेकिन लोग बुलडोजर के सामने आ गए हैं और बुलडोजर की कार्रवाई जो है, अतिक्रमण को हटाने की जो कार्रवाई है, उसका विरोध कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि इससे बुरा और इससे बड़ा दिल्ली विरोधी क्या हो सकता है। कोई घर पे तो बुलडोजर नहीं चल रहा है, बुलडोजर इलीगल इंक्रोचमेंट जो सड़कों का है उसको हटाने की कार्रवाई हो रही है और उसका विरोध आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलके करा रहे हैं। अब दिल्ली अपनी आंखें खोले और ये डिसाइड करे कि क्या सड़कों का इंक्रोचमेंट हटाना गलती है। एक लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी भी बना के दिया, वो भी अपना काम नहीं कर पाई और माननीय सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश को, इलीगल इंक्रोचमेंट मतलब सड़क को गलत ढंग से कब्जा करना, सड़क पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको कोई कैसे कब्जा कर सकता है। मैं समझता हूँ ये लोग जितना भी जोर लगा लें, चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए, हम उसको हटाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। घर सबके सुरक्षित हैं, प्रधानमंत्री जी ने उदय योजना के तहत दिल्ली के 40 लाख से ज़्यादा जो घरों को अवैध घोषित किया हुआ था, उसका अवैध का पूरा जो कलंक था हटा दिया मोदी जी ने। जिसका घर कहीं 25 गज 50 गज 100 गज जमीन खरीद के जिसने बनाया, नक्शा नहीं बनाया, उसको कोई छू नहीं सकता, मोदी जी ने वो नियम बना दिया। लेकिन सड़क तो खाली करनी पड़ेगी, सड़क पे तो लोग आएंगे जाएंगे, फुटपाथ पे। अगर इसको आम आदमी पार्टी पीछे से मोहरा बन के ऐसा कर रही है तो इसका जवाब दिल्ली देगी। आम आदमी पार्टी पीछे से नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता वहां पहुंच गए हैं और वो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि डराने के लिए सब किया जा रहा है, जानबूझ के एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ये दिल्ली में 27 जगह कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये सिर्फ शाहीन बाग में पहुंचे हैं। अरे भैया, आप शाहीन बाग के लोगों को उनकी खुशहाली कैसे होगी, ईज ऑफ लिविंग कैसे होगा, इसकी बात करो। अवैध इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।